मवाली जिस तरह से भाषण बातें करते हैं, जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है भाजपा के सांसद द्वारा, अगर गाली दिए हैं तो कौन सी बड़ी बात है। ये लोग राजा लोग हैं, हरिश्चंद्र लोग हैं। हमको नहीं लगता दो तीन दिन हुए और अभी आप देखिए कि मर्यादा पार जो है उन लोगों ने जो है कर दिया है। गली के मवाली जिस तरह से भाषण बातें करते हैं, जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है भाजपा के सांसद द्वारा, तो कार्रवाई तो होनी नहीं है क्योंकि वो भाजपा में है। अब भाजपा में जो रहेगा आदमी उसको गाली देने का भी अधिकार है, चाहे पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचार करने का भी, और जो शोषण करने वाली बात आई तो भी कहां कोई कार्रवाई हुई। जो महिला पहलवान कुछ दिनों तक जो है धरने पर बैठी नहीं, लगातार उनका मांग रहा, जो देश को मेडल जिताती है, नाम जो है ऊंचा करती है, वैसे लोगों पर क्योंकि वो भाजपा में है तो कार्रवाई नहीं होती। तो संसद में अगर गाली दिए हैं तो कौन सी बड़ी बात है। और इससे हम लोग जो है दुख तो हुआ है, पीड़ा हुई है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि भाजपा के सांसद की बोली यही है, तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। सीताराम येचुरी कल पटना पहुंचे, कल लालू जी से मुलाकात, आप लोग से मुलाकात हुई, ये कितना महत्वपूर्ण माना जाए इंडिया गठबंधन? नहीं नहीं, जब भी आते हैं लोग मिलते रहते हैं, हम लोग भी दिल्ली जाते हैं तो बातचीत होती रहती है। और गठबंधन में हम लोग जो है शुरू से रहे और पिताजी से पुराना रिश्ता रहा है उनका, तो आते जाते रहते, मुलाकात होती रहती है। क्या चीज जो बयान बाद माध्यम से आपको दिख रहा है, अब कोई उपाय है नहीं ना, काम तो किया नहीं तो गाली ना देगा। शीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ इतने बड़े, कोई सोचता था कि जो है जो साथ नहीं बैठते थे अब बैठने लगे हैं, तीन तीन बैठकें हो गई, कमेटियों की बैठक हो गई, सारी चीजें जो है स्मूथ चल रहा है, हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं है। और खास तौर पर बिहार में तो कोई झंझट ही नहीं है इंडिया अलायंस को लेकर के। सीट शेयरिंग होगा तो उन लोग जो तो गए हैं उधर, उन लोगों का क्या होगा, कैसे करेंगे, वो तो एक ही परिवार के एक ही पार्टी को जो अलग अलग कर दिया गया, अब वही लोग क्लेम करें तो दिक्कत तो वहां नजर आ रही है, यहां कहां नजर आ रहा है। सर एक सवाल है सर, सर एक सवाल।